जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है यह एक वायरस की दवा है, लेकिन यह विशेषतः कोरोना वायरस की दवा नहीं है। एक इबोला वायरस हुआ करता था, यह उसकी बहुत प्रभावकारी दवा थी। फिर जब कोरोना शुरुआती दौर में आया पिछले साल, तो कुछ वैज्ञानिकों ने देखा कि डरता था उनको कि इसका भी असर कोरोना पे हो सकता है, तो उन्होंने इस दवा पर एक्सपेंड किया कि उस समय बहुत ज्यादा बीमारी समझ नहीं था सर के पहले कि सब रेमडेसिविर इसमें दिया जाना चाहिए, देकर देखा जाना चाहिए। अब लेकिन उस समय का जो चीज है वो आज तक लोगों के मन में एक यह धारणा आ गई कि चूंकि महंगी दवा है तो अच्छी दवा होगी। तो चूंकि कोरोना की जितनी दवाइयां मार्केट में है सब विटामिन सी है, जिंक है, आयुर्वेदिक, ये सब बहुत सस्ती सस्ती दवाइयां हैं, लेकिन मरीज के दिमाग में ये आया सर महंगी होगी, सर 3,000 का इंजेक्शन है तो ये तो ठीक होगा। तो एक हर महंगी चीज अच्छी नहीं होती है, इस धारणा को हटाना पड़ेगा। और हो क्या रहा है कि रेमडेसिविर का जो उपयोग है अभी भी जो करते हैं हम लोग, वो लेवल 3 के हॉस्पिटल में अति गंभीर मरीज जिसका भी किसी दवा से कोई रिस्पॉन्स नहीं हो, वहां शंका के आधार पर रेमडेसिविर चलाकर देखा जाना चाहिए। पर जो रिसर्च है ये नहीं देखा गया कि हाँ अगर रेमडेसिविर चलता है तो मृत्यु दर नहीं कम हो रही है, लेकिन यह देखा गया कुछ रिसर्च में कि बहुत साइंटिफिक एविडेंस नहीं आए कि अगर रेमडेसिविर हम दे रहे हैं तो मरीज को ठीक होने की जो समय है, मान लीजिए 15 दिन में ठीक हो रहा तो हो सकता है 14 दिन में ठीक हो जाए, बस इतना ही अंतर पड़ रहा है। लेकिन मृत्यु दर एक ग्रुप को रेमडेसिविर दे के देखा गया उतने ही गंभीर मरीज को, और उतने ही गंभीर मरीज के ग्रुप को रेमडेसिविर नहीं दिया गया, तो मृत्यु दर जो थी वह कोई अंतर नहीं है रेमडेसिविर देने से। इस नाते रेमडेसिविर का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, जो विशेषज्ञ है इस क्षेत्र के उनको डिसाइड करने दिया जाए कि किस मरीज में रेमडेसिविर की अति आवश्यकता है किसमें नहीं है, क्योंकि इसका लाभ कालाबाजारी इसके एक अननेसेसरी इसका इस्तेमाल करके जो वास्तव में इसके हकदार मरीज हैं जिनमें इसका ट्रायल होना चाहिए था, वह कुछ नहीं असर करा या अभी देख के देख लें हो सकता है असर कर जाए, तो वह मरीजों का नुकसान हो रहा है क्योंकि दवा शॉर्ट है, दवा महंगी है, दवा कालाबाजारी हो रही है। इस नाते इसको फ्रीली यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल उन मरीजों में जहाँ पे कि कोरोना के इलाज जो लेवल 3 में डॉक्टर्स कर रहे हैं उनको लगे, उनके लिए दवा को रिजर्व रखना चाहिए। सर एक इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि जो भी रिकमेंडेशन किया जा रहा है तो सरकार ने व्यवस्था कर दिया है कि इंजेक्शन उन्हीं को दिया जाएगा जिनका फॉर्मल कोविड पॉजिटिव हो और किसी हॉस्पिटल या उसने रिकमेंड किया हो, तो ये तो आपकी फैकल्टी में है ना कि वो रिकमेंड कर रहे होंगे? नहीं, हमारी फैकल्टी में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन अभी है कोरोना को ट्रीटमेंट को लेके। देखिए कोरोना के ट्रीटमेंट में सच्चता वाली जो बात थी, आप मेडिकल कॉलेज में आप जाइए तो कोरोना ट्रीटमेंट या सरकारी जाइए तो हर विभाग के लोग कर रहे हैं, हर विभाग का भी टच रही, लेकिन कोरोना साल भर हो गया, इस रोग के विशेषज्ञ तो कोई हुआ नहीं गया, पुराने विभाग वाले इस रोग के विशेषज्ञ हैं, लेकिन जो लोग इसके कार्य से ज्यादा जुड़े हैं, लगातार काम कर रहे हैं, इसकी रिसर्च को डेली देख रहे हैं, ये उनसे संबंधित चीजें हैं, उनकी रिकमेंडेशन को मानना चाहिए। लेकिन यह सोचिए हाँ मरीज मेरा सीधे से इसको लगा दी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसका, यही हम लोगों का कंफ्यूजन तोड़ना है। फैकल्टी में भी ये कंफ्यूजन मैं मान रहा हूँ और जनता में भी ये चला गया है मैसेज की मेरे रेमडेसिविर दवा रही मेरा मरीज बच जाएगा या हो जाएगा 100%, तो ये मान रहा हूँ चिकित्सकों में भी अभी जानकारी का अभाव है इस बारे में। सर फाइनली आप अपील क्या करना चाहते हैं जनता से? फाइनली अपील ये कहना चाहता हूँ कि रेमडेसिविर स्टार्ट करने के पहले कम से कम 2 या 3 डॉक्टर की ओपिनियन उसमें होनी चाहिए कि उसको शुरू करें ना करें। आज की परिस्थिति में जो रेमडेसिविर और जो डॉक्टर सेविटी का हॉस्पिटल देख रहे हैं डेडिकेटेड, जैसे मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं जो लगातार सबसे ज्यादा केसेस देख रहे हैं, इन लोगों की राय को लेकर ही रेमडेसिविर स्टार्ट करें। अपने विवेक पे आप हर मरीज में नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, और कुछ अनुभव हो जाए आपको इस दवा का कि हाँ लगता है, उसके रिसर्च पेपर में पढ़िए कि हाँ इसका क्या फायदा, सब पीछे आप तो हमारी फैटर्नी भी अभी एजुकेट हो रही है, रोज जूम मीटिंग होती रहती है हम लोगों की आपस में, उसके माध्यम से ये मैसेज जाएगा, हमारी फैटर्नी को भी ये मैसेज चाहिए रेमडेसिविर हर मरीज नहीं यूज करना, वरना ये देखा जा रहा है जो भर्ती हो गया उसमें रेमडेसिविर यूज हो जा रहा है।